हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी वो आपके लगभग 500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये सारे पद यहाँ पे फ्रेशर के लिए रहने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ITI कर रखा है वो इसको अप्लाई कर सकता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा और उसी एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मतलब कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा है एंड यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC कैंडिडेट हो, SST कैंडिडेट हो, किसी कैंडिडेट को 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना, फ्री का फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, IOCL के द्वारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है पाइपलाइन डिवीजन के अंदर। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है और जिन कैंडिडेट ने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर जिन्होंने डिग्री कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी रहेगा पाइपलाइन डिवीजन के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई इसी वीडियो के अंदर करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेना। यहाँ पे टॉप पे मिल जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन कर रखा है। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 1 फरवरी 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 1 फरवरी 2024 तक ये चलने वाला है। तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और इसी वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखा दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए टॉप पे कंपनी का ब्यौरा दे रखा है और ये जो आपका रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फायदा ये रहता है जिन कैंडिडेट के कैरियर में गैप है, जो काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा ये मिलेगा। जैसे कि आपके कैरियर में गैप है 2 या 3 साल का और आप अभी यहाँ पे प्राइवेट जॉब सर्च करेंगे तो मिलना मुश्किल हो जाता है, और अब वहीं अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो जो आपके कैरियर में गैप है वो वहाँ पे फुलफिल हो जाता है और आप इजीली यहाँ पे प्राइवेट जॉब को कर सकते हैं, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है तो फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी बच्चा कर सकता है अप्रेंटिसशिप। साथ ही साथ यहाँ पे लोकेशन के बारे में दे रखा है और यहाँ पे ट्रेड के बारे में दे रखा है, ब्रांच के बारे में दे रखा है, पोस्ट कोड के बारे में बता रखा है, टोटल सीट के बारे में बता रखा है और ये आपका रिजर्वेशन के बारे में मेंशन कर दी है। देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है और अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पहला जो रहेगा ईस्टर्न रीजन के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका पाइपलाइन डिवीजन रहेगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उसके अलावा यहाँ पे आसाम, यूपी,
उसके अलावा यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन के लिए वैकेंसी है हरियाणा पंजाब, साथ ही साथ यहाँ पे आपका दिल्ली यूपी उत्तराखंड राजस्थान हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसी है जिसमें आपका उड़ीसा आपका छत्तीसगढ़ झारखंड आंध्र प्रदेश आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे साउथ रीजन पाइपलाइन डिवीजन के अंदर वैकेंसी है तमिलनाडु कर्नाटक आ जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वेस्टर्न रीजन के अकॉर्डिंग वैकेंसी गुजरात और राजस्थान की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 473 के करीब रहेगी, लगभग 500 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ITI डिप्लोमा और आपके जिन्होंने डिग्री कर रखा है वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल में तो आप मैकेनिकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे लेटरल एंट्री के थ्रू जैसे कि ITI कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आपने इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, या फिर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका जाता है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में तो ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल है, ITI कर रखा है तो भी एलिजिबल है, और ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का और कम्युनिकेशन का, ये आपका ब्रांच एलिजिबल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगा, असिस्टेंट यहाँ पे HR की पोजीशन रहेगी जिसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपने BA/BCom BSc कर रखा है एलिजिबल रहेंगे। अकाउंट का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रहेगा, जिन्होंने BCom कर रखा है वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, अगर आपने 12वीं कर रखा है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है जिसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं कर रखा है, और जिन्होंने यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट ले रखा है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एज क्राइटेरिया जो रहेगा 18 से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12 यहाँ पे जनवरी 2024 तक आपका एज काउंट होगा, और यहाँ पे जो आपका रहेगा 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 5 साल का SST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। सिलेक्शन जो रहेगा यहाँ पे CVT एग्जाम होगा, ऐसे डायरेक्टली आपके परसेंटेज के अनुसार सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे CVT एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका नहीं होगा, तो सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, और उसका परफॉर्मा यहाँ पे दे रखा है कि क्या पैटर्न रहेगा। अलग अलग अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग यहाँ पे आपका रहने वाला है CVT एग्जाम, तो आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से देख पाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा और ये नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करके मैं आपको आगे दिखा दूंगा, अप्लाई का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे HR की ईमेल ID दे रखे हैं, अपने रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे HR से आप कनेक्ट होके बात कर सकते हैं और उनसे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वापस से इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं, अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से, लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 1 मार्च 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो और मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, आपको सिंपली क्या करना है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है इसका अप्लाई लिंक, तो वहां पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली IOCL का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आप आ जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली इनके अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन की तरफ जहाँ पे ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और टॉप पे जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका रहेगा यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस, और यहाँ पे इन्होंने टॉप पे दे रखा है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमने डिस्कस किया था वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, PC में, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसमें डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
आपके सामने डायरेक्टली एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यपका पाइपलाइन डिवीजन के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर एक्टिव ओपनिंग का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दे रखा है कि एक्टिव ओपनिंग जो निकाली गई है वो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए या फिर अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अभी हमने जो नोटिफिकेशन डिस्कस किया था उसके अंदर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को डिस्कस किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ओपनिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा कि ये आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, तो आई हैव यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्टिव ओपनिंग का सेक्शन है और टॉप पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका अप्लाई लिंक। तो आपको सिंपली इस पर करना पड़ेगा मेरे भाई क्लिक। क्लिक करेंगे वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पे बोलेगा कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड ये डाल के यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये आपका नोटिफिकेशन के बारे में बता रखा है और यहाँ पे आप क्लिक करके इसके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले कभी नहीं कर रखा, और अगर आपने पहले कभी कर रखा है तो डायरेक्टली आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाला बटन है, सिंपली आपको करना पड़ेगा इस पर क्लिक। क्लिक करेंगे वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आपका रीज़न कौन सा है और यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ईस्टर्न रीजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी डाल दी है। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट किया था, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने मैकेनिकल क्वालिफिकेशन में डाल दिया है। नेचर ऑफ कोर्स क्या है, तो यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि आप यहाँ पे वेदर पास्ट इन अबव क्वालिफिकेशन यस वाला बटन, इस पर क्लिक कर देना है। आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में आपको यस कर देना है सभी जगह। देन फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पड़ेंगे, आपके जो अप्रेंटिसशिप के रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपने आईटी कर रखा है तो आप अपना नैप्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने डिग्री कर रखा है तो आपको MHRD नेट्स पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। अपना फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब कुछ आपको कर देना है। नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर और आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है, जो कि यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है। पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे वापस से आ जाना है और यहाँ पे आपको वापस से लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पूछेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त होगा, और आपका DOB क्या है, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है इस पर आपको डाल देना है, और साइन इन वाला बटन है इस पर क्लिक करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस, जिसको फॉलो करते हुए आप बड़े इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।